तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी चीज़ एक अच्छा वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है CMD की तरफ से फ्यूचर मेकर के। बेसिकली ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, लेकिन गाइज ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था क्योंकि गाइज कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने संस्कार आके कमेंट में दिखाते हैं कि उनको मम्मी पापा ने सिखाया है कि ऐसे ऐसे करो। ये वही लोग होते हैं गाइज जो पीछे बहुत करते रहते हैं, तो इनसे कोई बात तो नहीं करना चाहता, इनको तो इग्नोर ही करना चाहता हूँ मैं। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि तू काम करता है फ्यूचर मेकर में, यहाँ तू इसलिए इसको बोल रहा है अच्छा। तो मैं पहले बता दूँ कि मैंने अपने उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि किसी कंपनी के बारे में या किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी के बारे में बुराई कर रहा हूँ। मैंने जस्ट एक अपना व्यू रखा था कि हमें ये करना चाहिए, अगर हम एक इंसान हैं तो हमें अपने हमारे इंसानों का साथ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अपना संस्कार आके दिखाते हैं, इज्जत से बात करने इनको आते हैं, फिलहाल इनको इग्नोर करो, इनके संस्कार ही ऐसे। तो हम लोग बात करते गए वीडियो मेकर की, गाइस हाँ इसलिए मैं वीडियो बनाया था क्योंकि मैं जब ये फ्यूचर मेकर लॉन्च हुआ था तो उसके फर्स्ट ईयर में मैंने ज्वाइन किया था फ्यूचर मेकर, मैंने उसमें काम नहीं किया था, लेकिन उसके प्रोडक्ट को मैंने दिया था जिसका मैं खुद भी यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने अपने घर के पास किसी को दिया, उसने उसका यूज़ किया और उससे उसको हुआ था फ़ायदा। तो मुझे वो बात कर याद आ गई, तो इसलिए मैंने फ्यूचर मेकर के लिए वीडियो बनाया था। अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने फ्यूचर मेकर के लिए वीडियो बनाया था, मैंने बस वीडियो बनाया था कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं भी ये कुछ बताने वाला नहीं होता कि कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मैं बस एक व्यू रखा था अपना, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CMD का क्या अपडेट आया है। और एक चीज़ और बता दूँ गाइस, लोगों का ऐसा ऐसा कमेंट है कि बधाई हो फ्यूचर मेकर बंद हो गए, ये है वो हो, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन लोगों का ऐसा व्यू नहीं है, आई थिंक नहीं है उनका व्यू, वो जाने ठीक है, जिसकी जैसी सोच तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमें उसको नहीं बोलना चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन यार एक चीज़ ये है कि फ्यूचर मेकर की वजह से काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाए हैं। मतलब देखो सबका माइंड एक जैसे नहीं होता, कुछ लोग रोने गाने पर आ गए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, जब आपके ऊपर आएगी तब आप समझोगे, जब बहुत हंस रहे हो बधाई हो ये हो, ये नहीं सोचते कि लाखों लोगों का घर चल रहा था फ्यूचर मेकर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके अभी फ्यूचर मेकर की पॉपुलैरिटी को किसी भी कीवर्ड में डाल के सर्च करो, पिछले 14 घंटे से इतना ज़्यादा सर्च और इतना ज़्यादा मार्केट हुआ है फ्यूचर मेकर जिसनी कोई भी कंपनी नहीं हो रही है, हर जगह छाया है फ्यूचर मेकर। और मैं एक बात बता दूँ, फ्यूचर मेकर आई डोंट नो क्या हुआ उसके साथ, अगर वो इस समय वापस आता है तो उससे ज़्यादा पॉपुलर कोई कंपनी नहीं होगी MLM में, ठीक है, और ये होने वाला है मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जैसा CMD का इनका रिप्लाई है वो हो सकता है, वो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बता रहा हूँ मार्केट बहुत तेजी से हो रहा है इस समय फ्यूचर मेकर, आप जाके देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, आप किसी भी सर्च इंजन में जाके उसका पूरा एनालिटिक्स चेक करो, पिछले 14 से 15 घंटे में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्या होता है गाइज जहाँ कोई भी कंपनी, मतलब फ्यूचर मेकर वालों के लिए बोल दो यार आप लोग कुछ रोना धोना मत करो, मतलब ठीक है इतना परेशान मत हो, आ जाएगी आपकी कंपनी और ये सब होते रहता है। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए लगाया है और कुछ लोगों ने कर्जा भी लेके लगाया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे यार फेसबुक पे और लोग उन पर बधाई हो ऐसा करते हैं, तो दर्द होता है, समझ रहे हो आप, दर्द होता है जब आपको होगा तो आप फील करोगे। तो गाइस मैं बता दूं गाइस, देखो जब भी कोई कंपनी ऊपर चढ़ने वाली रहती है या कोई भी कंपनी हो या कुछ भी हो, कुछ भी कोई आदमी भी हो, तो उसको ढकेलने के लिए नीचे बहुत लोग आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, और हमेशा सबके साथ ये हुआ है और हमेशा होते रहेगा। आई थिंक ये फ्यूचर मेकर का एक बहुत ही बड़ा जे करवाने वाला है मार्केट में, हो सकता है इसलिए ऐसा हो रहा हो,
ठीक है। तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो और गलत मत सोचो, आपकी कंपनी वापस आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, नहीं आएगी भी तब भी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, मुझे पता है। देखो गाइस, ये MLM एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हर प्रकार के, हर स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, मेरे जैसे गरीब लोग भी रहते हैं और आपके जैसे काफी रिच लोग भी रहते हैं, ठीक है। इनके पास लाखों करोड़ों रुपए, वो भी MLM में इन्वॉल्व है, और जिनके पास खाने को पैसा नहीं है वो भी MLM में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि सभी को ग्रोथ करना है इसलिए वो MLM में आते हैं। तो ये हमारा काम नहीं कि हम किसी का मजाक उजाक उड़ाएं। खैर, ये सब बात होती रहेगी, ये सब अपनी अपनी बात है कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, आपका व्यू कैसा है, आप क्या समझते हो और क्या अपने आप को समझते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नहीं बोलना चाहिए इनको बारे में, इनको इग्नोर करना चाहिए। गाइस, मैं ये बोलने के लिए तो ये वीडियो नहीं बना था, लेकिन एक जवाब देना था ऐसे लोगों को कि इनकी जो इंसानियत है वो मर चुकी है और इनका जो संस्कार है वो तो बिल्कुल। अब इस वीडियो में भी देखना आप, नीचे में काफी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। सो देखते हैं, वो सब छोड़ते हैं, हम बात कर रहे थे अपने CMD सर की, ठीक है। अपने ही बोल रहा हूँ मैं, अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ तू करता है, मैं करता भी हूँ तो तुमको क्या है। हाँ, लेकिन मैं बता दूं गाइज, मैं इस कंपनी में काम नहीं करता हूँ। आप को बस एक लोगों को अच्छा फील हो, पॉजिटिवनेस है उनके लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज, जो CMD की वीडियो है वो मैंने डाल दी है, ये अपना जो पेज है स्लिप एंड अर्न ऑनलाइन मनी नाम से फेसबुक पे, तो आप उसको जाके वहां देख सकते हो। यहाँ मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो जो वीडियो थी वो किसी पेज पे से मैंने ली है, तो वो मैं यहाँ डालता तो प्रॉब्लम होती है फिर यूट्यूब को, तो यूट्यूब उसको रिमूव कर देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला। तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो, काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन है उनका। और हैप्पी रहो, कोई टेंशन नहीं है, पूरा जितने भी MLM में बड़े जो लीडर्स हैं ना गाइज वो आपके साथ हैं, और ये टेंशन की बात नहीं है। आप जाके देखो, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं वेस्टीज के, और भी काफी RCMLS है, कोई MVM कंपनी है, तो ये सब कंपनी जो है इनके बड़े बड़े लीडर्स आप लोगों के साथ हैं, और वो काफी अच्छा बिहेव भी कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, और आई थिंक जो लोग प्रॉब्लम है उनसे वन टू वन बात भी कर रहे हैं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत ही अच्छा भला होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और CMD काफी सही से रिएक्ट कर रहे हैं चीजों पर और अच्छी अच्छी वीडियोज दे रहे हैं, तो आप जाके उस पे मेरे पेज पे जाके चेक कर लो, वहां मैंने डाल दिया अपडेट, और उसको पूरा शेयर करो, लोगों को पॉजिटिवनेस दो, पॉजिटिव करो लोगों को, इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग पॉजिटिव रहें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और गॉड सबका भला करता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।